CS1 जो पेपर है इसका नाम क्या है? एक्चुअरियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है पेपर ए, एक है पेपर बी। तो अगर आप देखोगे IFOA से अगर आप एग्जाम दे रहे हो, तो पेपर ए का जो वेटेज है दैट इज 70% एंड पेपर बी का जो वेटेज है दैट इज 30%। पेपर बी का मतलब होता है आर प्रोग्रामिंग। अब अगर आप देखेंगे तो सिर्फ दो पेपर्स ऐसे हैं जिसमें आर प्रोग्रामिंग फुल फ्लेजेड इंट्रोड्यूस हुआ है, CS1 एंड CS2। सो आर प्रोग्रामिंग को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो डे वन से जो भी IFOA के स्टूडेंट्स हैं उनको आर प्रोग्रामिंग, पेपर ए एंड टाइटल। जो IIT के स्टूडेंट्स हैं, IIT का क्या रहता है, IIT में आपका जो वेटेज रहेगा दैट इज 50-50 फॉर पेपर ए एंड पेपर बी। बट चाहे रेशियो 70-30 हो, 80-20 हो, 60-40 हो, आर में इक्वल वेटेज देना है। क्योंकि अगर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आर में ही क्लियरली समझ में आई, हमने पूरा शेड्यूल दे दिया आपको, होप सो हम लोग उसी शेड्यूल के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। और एक चीज समझना कि एक क्लास आप लोग देखोगे मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, जो प्रैक्टिस क्लास है जहां पर हम लोग सम्स का प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी प्लीज लाइव क्लास मिस मत करो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, बट लाइव क्लास मिस मत करो, ठीक है। मेनली क्या है, चाहे बच्चे का डे कॉलेज हो, चाहे मॉर्निंग हो, चाहे इवनिंग हो, सब लोग अटेंड कर पाए, दिस इज दी मेन एजेंडा। एंड CS1 का जो लर्निंग है दैट विल बी कंप्लीटेड इन रफली 2 मंथ्स, ठीक है। तो October 1st से लिया स्टार्टिंग, नवंबर एंड तक, जब तक आपका रिजल्ट आएगा वी कैन एश्योर यू कि आपका सिलेबस तब तक हम लोग पूरा खत्म करा दें। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 to 8 ब्रॉड टॉपिक्स और हर हफ्ता हम लोग टारगेट करेंगे कि हम लोग एक पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। सो डोंट मिस द लाइव क्लास, बिकॉज मेरे से अच्छे स्पीड में, मेरे से एक्यूरेट वे में आप खुद से सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं, घर पे सेल्फ स्टडी तो तुम लोग का होता है नहीं, तुम लोग खुद से किताब लेके बैठेगा फिर 2 मिनट बाद, वैसा नहीं होता है। तो क्लास जो है उसको प्रॉपरली, एक ही चीज है, अगर कोई डिसिप्लिन में क्लास अटेंड करे तो वो फेल नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल कि कोई 100% क्लासेस अटेंड किया है, ठीक है। सो वो चीज है। और मेनली CS1 का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको CS2, वो आपको CM2 में ही अप्लाई होता है। एंड IELTS जितना अच्छा से आप आर पढ़ सकते हो उतना अच्छा से आर पढ़ना। दिस टाइम लॉट ऑफ लाइव क्लासेस शेड्यूल्ड फॉर पेपर बी एज वेल, ठीक है। एंड जितना अच्छे से आर पढ़ोगे उतना पेपर ए में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना आपको CS2 में हेल्प होगा, ठीक है। सो पुट द हेडिंग विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, रैंडम वेरिएबल्स। सो रैंडम वेरिएबल क्या है, ध्यान देना। एक्स प्लस वाई मेरा 10 है, तो अगर एक्स प्लस वाई मेरा 10 है तो एक्स और वाई मेरे यहाँ पर वेरिएबल्स होते हैं। अब मान लो अगर मैं एक्स का वैल्यू 9 डालता हूं तो वाई का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 1। अब समझ रहे हो, बट फिर रैंडम वेरिएबल क्या हुआ, रैंडम वेरिएबल क्या हुआ, एक ऐसा चीज जिसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी एसोसिएट करते हैं, ठीक है। अब एक चीज समझना, जैसे मान लो मैंने कॉइन टॉस किया, दो कॉइन टॉस किया, तो मेरा जो टोटल सेट ऑफ आउटकम्स है उसको हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस, उसको हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो मेरा सैंपल स्पेस इस केस में क्या क्या बनेगा, हेड 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 टेल टेल हेड एंड टेल टेल। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। आपने दो कॉइन टॉस किया है, या तो दोनों में हेड आ सकता है, हेड टेल टेल हेड एंड टेल टेल। अब इसको तो मैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूज ही नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, मैं रैंडम वेरिएबल की मदद से नंबर्स एसोसिएट करूंगा। आई एसोसिएट नंबर्स विद ईच एलिमेंट ऑफ दिस सैंपल स्पेस, ओके। अब ध्यान देना, मैंने यहां पर असाइन किया एक्स को नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स। तो अगर एक्स मेरा नंबर ऑफ हेड्स है तो एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है, पहले तो ये बताओ।
एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, पहले तो ये बताओ। 0, 1, 2, 0 एसोसिएट्स, सब लोग अपना माइक ऑफ एंड कैमरा ऑन, ठीक है। और आज मैं ऑनलाइन में लेट एंट्री दे रहा हूं, नेक्स्ट क्लास से मैं एक भी जन को एंट्री मत नहीं दूंगा। ऑनलाइन में अगर आपको आना है, डॉट जो टाइम है, आपको एंट्री लेके बैठ के अपना रिविजन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोग एक करके आएंगे, इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू गिव एंट्री टू यू ऑल। सो जीरो मतलब क्या, जीरो हेड्स, जीरो हेड्स का मतलब क्या हो गया, एक हेड का मतलब क्या हो गया, एंड दोनों हेड का मतलब क्या हो गया। सो मैंने रैंडम वेरिएबल का हेल्प लिया, मैंने रैंडम वेरिएबल का हेल्प लिया, एंड मैंने नंबर्स एसोसिएट कर दिए, मैंने नंबर्स एसोसिएट कर दिए विद ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस। एक्स वैल्यू ले सकता है 0, अभी भी कुछ मतलब नहीं निकल के आ रहा है। एक्स वैल्यू ले सकता है 1, अभी भी कुछ मतलब नहीं निकल के आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए इज व्हाट, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल बाय टोटल, जो मेरे को चाहिए डिवाइडेड बाय जो मेरे को दिया गया टोटल। फॉर एग्जांपल थ्रोइंग अ डाई, डाई मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, थ्रोइंग अ डाई एंड गेटिंग एन इवन नंबर। तो इवन नंबर में क्या क्या आएगा आपका, 2, 4, 6, एंड टोटल सेट ऑफ आउटकम्स में आपका क्या क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, 3/6, विच इज हाफ। थ्रोइंग अ कॉइन एंड गेटिंग हेड्स, तो क्या होगा, 1/2, बिकॉज दो ही पॉसिबल आउटकम्स है। यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया, एक्स एंड प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, तो 0, 1 एंड 2, यही हो सकता है क्योंकि एक्स कैन टेक द वैल्यू 0, 1 या फिर 2। तो एक्स वैल्यू लेगा 0 कितना प्रोबेबिलिटी के संग में, पहले आप ये बताइए, 1/4, क्यों क्यों, देर आर फोर पॉसिबल आउटकम्स एंड फेवरेबल कितना मेरा यहां पर, एक। एक्स वैल्यू लेगा 1 कितना प्रोबेबिलिटी के साथ में, 2/4, एंड एक्स वैल्यू लेगा 2 कितना प्रोबेबिलिटी के साथ में, 1/2। इट टेक्स द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटीज टू डिसाइड अपॉन इट्स वैल्यू, एंड रैंडम वेरिएबल की मदद से हम लोग नंबर्स एसोसिएट कर सकते हैं विद ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस। सो दिस इज रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या है, इट इज एसोसिएटिंग प्रोबेबिलिटीज टू डिसाइड अपॉन इट्स वैल्यू, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0 कितना आ रहा है बताइए, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0, 1/4, एक्स इज इक्वल टू 1, खाली एक्स इज इक्वल टू 1 का कोई मतलब नहीं निकल के आ रहा है, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 1, या फिर एक्स वैल्यू लेगा 1 कितना प्रोबेबिलिटी के साथ में, एक्स वैल्यू लेगा 2 कितना प्रोबेबिलिटी के साथ में, इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये मैंने एक बनाया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। मैंने क्या किया, इस टेबल में प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितना होगा, 1, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितना होगा, 1, इज इट ओके, ठीक है। इसको कॉपी करिए, पानी का बोतल नहीं है। तुम लोग सब थोड़ा अंदर शिफ्ट हो, तुम लोग सब इधर आओ, इधर आओ, ऐसे हम एक तरफ देख के पढ़ाएंगे, इधर सामने, चलो जल्दी जल्दी।
यस फ्रेंड्स बनो एक दूसरे से, फ्रेंड्स बनो। चलो वेरी गुड, कहाँ बैठे? नहीं ये रहा, एक जन इधर। अच्छा तुम उधर बैठो। हाँ उसे लास्ट में नहीं जगह मिला तुम लोग को? अच्छा ठीक है, तुम लोग इधर फर्स्ट में बैठो। इधर उधर ठंड, इधर एसी नहीं चल रहा इधर। ठीक है तो ये कॉपी हुआ, अब ये कॉपी करो। ये लो कॉपी हो गया सबका। हाँ अब ओके, अब लिखो रैंडम वेरिएबल। यहां ऐसे लिखो रैंडम वेरिएबल। सबसे पहले लिखना नोटेशन। तो नोटेशन में क्या आएगा? कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। ठीक है, अब ये जो रैंडम वेरिएबल है ये दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है डिस्क्रीट और एक हो सकता है कंटिन्यूअस। ठीक है, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है पहले ये समझना। 0, 1, 2। आज जैसे मान लो नंबर ऑफ क्लेम्स रिसीव बाय एन इंश्योरेंस कंपनी। तो जो नंबर ऑफ क्लेम्स है उसका मतलब क्या है? ऐसे ही वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, अपना कुर्सी नहीं छोड़ना चाहिए। तो नंबर ऑफ क्लेम्स जो है, देखो या तो आज मान लो मेरे पास एक गाड़ी है, अज्यूम करो कि मेरे पास एक गाड़ी है। ठीक है अज्यूम करो। ठीक है तो या तो गाड़ी नहीं ढुकेगा, या फिर एक बार ढुकेगा, या फिर दो बार, या डेढ़ बार ढुक सकता है? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? डिस्क्रीट। तुम लोग एसी का जो पैनल है उसमें देखो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर इज समथिंग डिफरेंट, बट एसी का पैनल पे क्या दिखाता है? 18, फिर 19, फिर समझ रहे हैं? तो ये सब क्या हो गया? डिस्क्रीट। नंबर ऑफ बॉल्स इन अ क्रिकेट मैच, या तो एक भी बॉल अभी तक नहीं हुआ, या फिर एक बॉल, दो बॉल, रन्स, ये भी डिस्क्रीट है। बट अमाउंट ऑफ क्लेम, अमाउंट ऑफ क्लेम कैसा होता है? 3,04,562 पॉइंट। तो अमाउंट ऑफ क्लेम इज व्हाट? कंटिन्यूअस। ठीक है, तो डिस्क्रीट में हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट वाइज। और कंटिन्यूअस में हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरवल वाइज। यहां पर एक चीज समझना, यहां पर एक्स का जो वैल्यूज रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, और यहां पर ऐसा रहेगा एक्स लाइज बिटवीन 1 टू 5। यहां पर अगर मेरे को सम करना होगा तो मैं यूज करूंगा समेशन, और यहां पर अगर मेरे को करना होगा तो मैं यूज करूंगा इंटीग्रेशन। बिकॉज समिंग ओवर अ कंटिन्यूअस रेंज इन्वॉल्व व्हाट? इंटीग्रेशन। समिंग ओवर अ कंटिन्यूअस रेंज इन्वॉल्व इंटीग्रेशन। ठीक है, क्लियर हो रहा है डिफरेंसेस बिटवीन? अब यहां पर एक और हम लोग एग्जांपल लिख लेंगे। एग्जांपल में लिख लेना नंबर ऑफ क्लेम्स, यहां पर लिख लेना अमाउंट ऑफ क्लेम्स। ठीक है ना? सो नंबर ऑफ क्लेम्स एंड अमाउंट ऑफ क्लेम्स। इज इट ओके ऑल ऑफ यू? यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत? हाँ ना बोलो। ठीक है ना यहां तक? ओके okay. अब हेडिंग लगाना डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का ही हम लोग ऊपर में एग्जांपल किए थे, थ्रोइंग 2 पॉइंट्स वाले। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख देना एग्जाम्पल डन अबव, ब्रैकेट में लिख देना एग्जाम्पल डन अबव। ठीक है, अब उसके अंदर में लिखना सबसे पहले पीडीएफ, ब्रैकेट में लिखना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है,
इसके अंदर में लिखना सबसे पहले नोटेशन। तो इसका जो नोटेशन होगा वो कैसा होगा, एफ कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स इज एफ कैपिटल एफ स्मॉल एक्स प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। ये जो स्मॉल एक्स है ये डमी वेरिएबल है एंड जो कैपिटल एक्स है वो मेरा रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। सो एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब उसके बाद में आपने जो एग्जांपल किए थे ऊपर में, अगर अपने उसकी सब चले तो हम लोग का एफ एक्स जीरो क्या होगा बताओ, 1/4 विच इज इक्वल टू एफ जीरो विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली अगर हम लोग जाएं तो मेरा एफ एक्स वन इज एफ वन इज प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू वन विच इज 2/4। सिमिलरली अगर हम लोग जाएं तो मेरा एफ एक्स टू इज इक्वल टू एफ टू इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू टू विच इज इक्वल टू 1/4। इज इट ओके, बोलो हाँ ना कुछ तो बोलो। ठीक है, उसके बाद में लिखना कंडीशंस फॉर अ वैलिड पीडीएफ। स्मॉल एफ मतलब पीडीएफ, कैपिटल एफ मतलब डीडीएफ विच इज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसके बाद में करेंगे, ठीक है। हेडिंग लगाना कंडीशंस, कंडीशंस विच क्लास, कंडीशंस ये ना कॉपी हो गए तो कंडीशंस फॉर अ वैलिड पीडीएफ। कंडीशंस फॉर अ वैलिड पीडीएफ, ठीक है। वैलिड पीडीएफ का क्या कंडीशन है, पहला लिखना एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स, एंड दूसरा लिखना समिंग ओवर दी रेंज ऑफ एक्स एफ एक्स शुड बी इक्वल टू वन, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितना होगा वन। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे जहां पर हम लोग को ये डिसाइड करना है कि एक वैलिड पीडीएफ है कि नहीं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ठीक है। चलिए आइए, सबसे पहला एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2/5। यहां पर मेरे को एक्स दे दिया है 1, 2, 3, 4, 5। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये रेंज देख के क्या समझ में आ रहा है, ये रेंज देख के क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या है, डिस्क्रीट है। तो आप एक्स की जगह में जब वन डालोगे तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो ये एक वैलिड पीडीएफ नहीं है। क्लियर हो रहा है। दूसरा एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 30। एक्स का वैल्यू है 1, 2, 3 और 4। आप पहले वन डालोगे, फिर आप टू डालोगे, फिर आप थ्री डालोगे, फिर आप फोर डालोगे, ठीक है। सब में पॉजिटिव है और सबका सम 1 + 4 + 9 + 16 30 आएगा, तो ये एक वैलिड पीडीएफ है, क्योंकि पहला वाला और दूसरा वाला दोनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हुआ। पहला कंडीशन हम लोग का क्या था, पहला कंडीशन हम लोग का क्या था कि सारा रेंज पे पॉजिटिव होना चाहिए, एंड दूसरा क्या था टोटल प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू वन। क्लियर हो रहा है, ठीक है। थर्ड फिर हम लोग के पास में आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 5, ठीक है। तो यहां पर हम लोग का एक्स का जो रेंज है वो है 1, 2, 3 ।5 तक, ठीक है। तो अब यहां पर डालो, अब यहां पर डालो, वन डालो, टू डालो, थ्री डालो, ठीक है, फाइव डालो, तो फाइव डालते ही वन हो गया, मतलब सबका सम क्या हो जाएगा, वन से ज्यादा। तो नॉट अ वैलिड पीडीएफ, नॉट अ वैलिड पीडीएफ। क्लियर हो रहा है। हाँ लास्ट वाला लिखना एफ एक्स हम लोग को दे दिया 1/4, एक्स का रेंज है 1, 2, 3, 4। आप वन डालो तो आपको क्या मिलेगा 1/4, आप टू डालो तो आपको क्या मिलेगा 1/4।
आप फोर डालोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 1/4, और चारों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज, ऐसा जरूरी नहीं है कि fx में x होना ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो 1/4 को अगर हम लोग चार बार ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो दिस इज अ, अरे बोलो, ठीक है ना, कॉपी कर लो इसको। इसके बाद में हेडिंग लगाना, इसके बाद में हेडिंग लगाना, विल डू सम क्विक रिवीजन, विल डू सम क्विक रिवीजन। हेडिंग लगाना सीक्वेंस एंड सीरीज, हेडिंग लगाना सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में ध्यान से सुनना, सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे पहले हम लोग ये क्या होता है बताओ, 1+2+3+...n, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज व्हाट, n इनटू n प्लस 1 बाय सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, क्या हो जाएगा, n इनटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाय 6। उसके बाद में सम ऑफ द क्यूब्स, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n इनटू n प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज कॉपी कर लीजिए। इसके बाद में हम लोग आएंगे अरिथमेटिक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इसके बाद में हम लोग आएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी में नंबर्स कैसे होते हैं, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, डॉट डॉट डॉट, ए प्लस एन माइनस वन इंटू, ए मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, डी मेरा कॉमन डिफरेंस हो गया, एन मेरा नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, ठीक है। तो यहां पर अगर मेरे को एन एट टर्म निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मेरा एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, एल इज द लास्ट टर्म, उसको अगर हम लोग ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हाँ कि ना, कॉपी कर लो इसको। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग जीपी में आएंगे। तो जीपी में नंबर्स कैसे होते हैं, a ar ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, यहां पर मेरा जो एन एन टर्म होगा वो क्या होगा, ए आर टू दी पावर, और मेरा जो एस एन होगा वो तीन रकम से निकलता है, आर मेरा यहाँ पर क्या है, कॉमन रेशियो, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म, ऊपर में था कॉमन डिफरेंस, सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, फोर्थ माइनस थर्ड, तो मेरा एस एन कैसे आएगा, ए r to the power n minus 1 by r minus 1 if r is greater than 1, फिर मेरा कैसे आएगा, a 1 minus r to the power n by 1 minus r, r is less than 1, ठीक है, और एक मेरा होता है infinite GP, s infinity, which is a by 1 minus r, provided that r lies between minus 1 and 1, हम लोग infinity तक सम उसी का कर सकते हैं, when the series is converging and not diverging, diverging series का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 to the power 4, इसका तो हम लोग कोई, इसका वैल्यू क्या होगा, सम का इंफिनिटी, बट ऐसा है 2, 1/2, 1/4, 1/8, ये क्या हो रहा है, 1/8 टाइम पे जाके क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, तो ये क्या, ये टेंट कर रहा है जीरो को, इसका हम लोग लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं, आर यू गेटिंग इट, a बाय 1 माइनस r। इसके बाद में यहां तक कॉपी हो गया, ऑनलाइन में 70 स्टूडेंट्स आर करेंटली डूइंग, सबको समझ में आ रहा है, यस नो, चलिए आइए, ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे और हम लोग को बताना है कि ये हम लोग का वैलिड पीडीएफ है कि नहीं है, ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x बाय के के प्लस 1, और x का हमारा यहाँ पर रेंज है 1, 2, 3, डॉट 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 के,
हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, समेशन एक्स रन फ्रॉम कहां से कहां, वन टू के, टू एक्स बाय के, बोलो के प्लस वन। तो जो कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। सम अगर एक्स का है तो क्या क्या बाहर निकलेगा, टू बाय के, के प्लस वन। अंदर में क्या बचेगा बताओ, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 अप टू के। तो सम ऑफ फर्स्ट के नेचुरल नंबर्स इज व्हाट, बोलो के इंटू के प्लस वन बाय टू। सॉल्व करिए इसको। तो ये एक वैलिड पीडीएफ निकल के आ गया। अब हम लोग को अज्यूम करके चलना है कि वैलिड पीडीएफ है, और वैलिड पीडीएफ अज्यूम करते हुए हम लोग को सी का वैल्यू निकालना है, एक ऐसा सी का वैल्यू जिसके लिए मेरा पीडीएफ वैलिड बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये वाला एक्सरसाइज करेंगे। ये वाला क्वेश्चन कॉपी हुआ, तुम कॉपी किया, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन डालेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स, और यहाँ पर एक्स का रेंज दे दिया है वन टू डॉट डॉट फाइव तक। तो हम लोग को ये अज्यूम करना है कि वैलिड पीडीएफ है, मतलब समेशन एक्स रन्स फ्रॉम वन टू फाइव सी एक्स शुड बी इक्वल टू वन, बिकॉज़ सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट, वन। तो यहाँ पर सी मेरा आ जाएगा बाहर, हाँ कि ना, सी मेरा आ जाएगा बाहर। तो अंदर में क्या बचेगा, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव इज इक्वल टू वन। तो सी क्या आ जाएगा मेरा, वन बाय फिफ्टीन। सबको समझ में आ रहा है, हाँ कि ना। अब ऐसे ही मैं तीन सम और दे रहा हूं, करके दिखाइए, ठीक है। चलिए पहला एफ एक्स दे दिया हम लोग को सी फाइव बाय एक्स, मैंने बेसिकली दिस इज फाइव सी बाय एक्स, दिस इज फाइव सी बाय एक्स। यहां पर एक्स का हम लोग को रेंज दे दिया वन टू थ्री डॉट डॉट फाइव। उसके बाद में दूसरा हम लोग को एफ एक्स दे दिया है सी वन बाय फोर टू द पावर एक्स, एक्स हम लोग यहाँ पर दिया है वन टू थ्री डॉट 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 डॉट, और एक में हम लोग को एफ एक्स दे दिया है सी एक्स स्क्वायर, एक्स हम लोग को दे दिया है वन टू थ्री डॉट 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 अप टू के। ठीक है, सॉल्व करना चालू करिए इसको। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहला वाला कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर हम लोग करेंगे समेशन एक्स रन फ्रॉम वन टू फाइव सी फाइव बाय एक्स, तो फाइव सी मेरा आ जाएगा बाहर। अंदर में क्या बचेगा, वन बाय वन प्लस वन बाय टू प्लस वन बाय थ्री प्लस वन बाय फोर प्लस वन बाय फाइव। ठीक है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू वन, और यहां से हम लोग को सी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये काम लोग करिए। उसके बाद वाला जो है, चलिए सॉल्व कीजिए, मैं टाइम दे रहा हूं, सॉल्व कीजिए।
ओके तो लास्ट वाले का आंसर कितना आ रहा है, ये सी एक्स स्क्वायर वाले का 6 बाय के। ओके ठीक है, और इसके ऊपर वाले का 3, थ्री, और उसके ऊपर वाले का 12 बाय 137। 12 बाय 130। ठीक है, तो दिस इज डन। हेडिंग लगाना ग्राफ ऑफ पीडीएफ। कॉपी बंद कर लिया क्या? तो हम लोग का जो एग्जांपल था, यहां पर एक्स आएगा, यहां पर प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स आएगा, 0 1 2। यहां पर हाइट है 1/4, और यहां पर तो हाइट है 1/4, फिर 1 पे हाइट है 2/4, और फिर 2 पे हाइट है। क्लियर है? मैं और अच्छे से बना देता हूँ। इन तीनों पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सब पे प्रोबेबिलिटी क्या है? जीरो। इसके बाद हेडिंग लगाना थ्री डी एफ। डन। क्यूमुलेटिव कॉपी नहीं हुआ। सीडीएफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो जो नोटेशन आ रहा है वो आएगा कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स। प्रोबेबिलिटी अप टू पॉइंट एक्स, इसका मतलब क्या होता है? उस पॉइंट तक का प्रोबेबिलिटी। और जब हम लोग पीडीएफ पढ़ रहे थे, यहां पर एक चीज मैंने मिस आउट कर दिया, लिख लो, ये जो है प्रोबेबिलिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। एक पॉइंट पे कितना प्रोबेबिलिटी है एंड एक पॉइंट तक कितना प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अपना वो जो एग्जांपल था, अगर हम लोग उसका सीडीएफ बनाने का ट्राई करेंगे तो देखो कैसे बनेगा। एक्स इज लेस देन 0, 0 जैसे ही टच किया बट 1 से कम है, 1 जैसे ही टच किया बट 2 से कम है, 2 या फिर उससे ज्यादा। तो यहां पर 0 है, जैसे 0 टच किया प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 1/4। फिर जैसे ही 1 टच किया तो क्या हो जाएगा? 2/4 + 1/4 विच इज 3/4, एंड 2 या फिर उससे ज्यादा में टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा मेरा? 1। ठीक है, कॉपी करो उसको। ठीक है, बोलो। अब अगर तुम लोग की ये समझ में आया है ग्राफ से बेटर समझ में आएगा, लिखो ग्राफ ऑफ सीडीएफ। यहां पर एक्स है, यहां पर प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स है, ये हो गया 0, 1 और 2।
तो जीरो पे हाइट ले लिया, ये देखो जीरो पे हाइट ले लिया 1/4 का, फिर गया फिर हाइट ले लिया, टोटल हाइट ले लिया 3/4, ये मेरा है 1/4, ये मेरा है 3/4 और ये मेरा है 1, फिर 2 तक गया, फिर यहां पर हाइट ले लिया और फिर ऐसे कॉन्स्टेंट हो गया। अब देखो एक चीज समझना, ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है, तो अगर मैं बोलूंगा कैपिटल एफ 1.85 तो ये कितना आएगा, 3/4, बट अगर मैं बोलूंगा स्मॉल एफ 1.85 जीरो, यही फर्क उस पॉइंट, मैंने कैपिटल एफ 1.85 का मतलब क्या, ध्यान सुनना, प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1.85, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें जीरो भी आ गया और इसमें 1 भी आ गया, ठीक है। देखो इसको, अभी इसमें हम लोग और एग्जांपल्स करेंगे तो क्लियर होगा थोड़ा। हेडिंग लगाना कंडीशंस फॉर अ वैलिड सीडीएफ, एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकता है। दूसरा लिखना, इट शुड बी अ नॉन डिक्रीजिंग, फंक्शन ऑफ एक्स। और एक लिखना, एफ एक्स इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1, अभी डाउट नहीं ले रहे, हमको 5 मिनट का टाइम चाहिए होगा। लास्ट वाला कंडीशन क्या बोलते हैं, जो लास्ट वाला, जैसे यहां पर एफ एक्स 2 कितना आएगा, 1, नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे एफ एक्स बढ़ना चाहिए, एफ एक्स सेम बट गिर नहीं सकता है, गिरने का मतलब क्या हो गया, उस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी क्या है, नेगेटिव, जो कि हो नहीं सकता, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देता हूं, तुम लोग बताना कि कौन सा वैलिड सीडीएफ बन पाएगा और कौन सा वैलिड सीडीएफ नहीं बन पाएगा। सो बेसिकली F1, F2, F3, F4, ठीक है। सो पहला मैं लिखता हूं 0.3, 0.5, 0.8, 1.2, बोलो ये वैलिड है कि नहीं है, नहीं है वैलिड, क्यों नहीं है, 1 से ज्यादा हो गया। दूसरा 0.5, 0.4, 0.7 और 1, बताओ नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि गिर गया। थर्ड 0.25, 0.61, 0.83 और 1, ये वैलिड है, इंक्रीजिंग भी है, सारा पॉजिटिव भी है एंड टोटल प्रोबेबिलिटी में 1 भी है। लास्ट वाला मतलब FX4 बेसिकली, जो लास्ट वाला है वो 1 भी है, ठीक है ना। तो सारा कंडीशन में सेटिस्फाई हम लोग का हो रहा है, ठीक है। देख लो, यहां तक पहले कॉपी कर लीजिए। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ, और ऊपर, हाँ एक बार मेरे को बस ऊपर से देखना है। ठीक है ठीक है, ओके सर। अगर, हाँ बोलो भूमि सर, अगर सीडीएफ दो पॉइंट में सेम है बट इंक्रीजिंग है
एंड लास्ट में वन भी आता है तो वो वैलिड CDF होगा या नहीं? दो पॉइंट पे सेम नहीं होगा ना, तो आप तो तभी लिखोगे जब नेक्स्ट पॉइंट पे वैल्यू होगा। एक मेरे को 10 मिनट का टाइम देना, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल करने से। ठीक है, ओके सर। नोट लिखो एक तो, वेन एवर वी आर गिवेन CDF एंड वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटीज कॉमा वी विल फर्स्ट कन्वर्ट इट टू PDF एंड देन कैलक्यूलेट दी प्रोबेबिलिटीज। Whenever we are given CDF and we are asked to calculate probabilities, we will first convert it to PDF and then calculate the probabilities. उसके नीचे लिख देना, यहां PDF से अगर हम लोग CDF जाना है तो करेंगे प्लस, और CDF से अगर PDF आना है तो करेंगे माइनस। अब जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, देखो यहां पर fx दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखना, when x is less than 1, 0, जैसे ही 1 को टच कर रहा है, बट वो देख के लिखना, बट वो 4 से कम है तो उसमें है 1/3, फिर आता है हाफ, जैसे ही वो 4 को टच कर रहा है बट वो 6 से कम है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका 5/6, जैसे ही वो 6 को टच कर रहा है बट वो 10 से कम है। ठीक है, और फिर आपका आता है 1, फिर आपका आता है 1, जैसे ही वो 10 या फिर उससे बड़ा है। ठीक है, तो कैसे इसको PDF में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले हम लोग को पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो पॉइंट्स जहां पर देखो प्रोबेबिलिटी है, जैसे 1, 4, 6 और 10। तो कैसे कैसे करेंगे ध्यान देना आप। तो मेरे को मिल गया, पॉइंट्स मिल गया 1, 4, 6 एंड 10। अब कितना कितना प्रोबेबिलिटी है, 1 टच करते ही प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 1/3, पहले कितना था 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3, फिर हाफ माइनस 1/3 कितना होता है 1/6, फिर 1/3 और फिर 1/6। तो ये मेरा आ गया x, ये मेरा आ गया px। इस तरीके से हम लोग क्या बना दिए, PDF बना दिए। अब बताओ ये सबको क्लियर है? पहले बताओ ये सबको क्लियर है? देख लो पहले इसको, ये कॉपी कर लेना, इसको एग्जांपल को कॉपी करो उसको, फिर से लोग समझ बनाएंगे। ठीक है, हमने PDF बनाया, अब मेरे को तुम लोग प्रोबेबिलिटी बताओगे। तो पहला मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ 2 से बड़ा बट 6 या फिर उससे छोटा, बोलो 2 से बड़ा बट 6 या फिर उससे छोटा, बोलो। हाँ, 1/6 प्लस, अमेजिंग। ठीक है, तो कितना आ रहा है, गुड। उसके बाद में नेक्स्ट मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालना है एक्स इज ग्रेटर देन 4, बोलो 4 से बड़ा तो 6 और 10 आएगा। तो कितना कितना आएगा, 1/3 प्लस, फिर हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, 4, 6 और 10, ये वाला बताना प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 1/6। बट सोचो अब ये ऐसे 1/6 आ रहा है तो, बट अगर हम लोग CDF से निकालते तो क्या कर देते,
वन कर देते, जो कि गलत हो जाता। इस रेंज का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 का रेंज में CDF 1 है एंड CDF इज लेस देन प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। अब इसका अगर हम लोग को वो बनाना है ग्राफ तो कैसे बनाएंगे, इसका अगर हम लोग को ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे, हम लोग को 1, 4, 6, 10 बोला है ना। तो देखो पीडीएफ का ग्राफ देखो, एक्स है यहां पर है प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, ठीक है, ये 1, 4, 6, 10 आ गया, 1, 4, 6, 10 दो है, ये क्या होगा पता है 1/6, ये क्या होगा पता है 1/3, क्योंकि 1/3 बड़ा होता है 1/6 छोटा होता है। पहले क्या था, पहले क्या है बताओ, 1/3 है तो ऐसे जाएगा, ये बड़ा बनेगा, क्लियर। अब यही अगर हम लोग को CDF का बनाना हो तो यहां x, यहां प्रोबेबिलिटी कैपिटल x इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल x, 1, 4, 6, 10 सेम वैसे ही जाएंगे, जो जो प्रोबेबिलिटीज था बस वो लिखते चलना। तो पहले क्या था बताओ, हाँ 1 था, 5/6 था, हाफ था, CDF का एक स्टेप ग्राफ बनता है, बोल बोलो हाँ कि ना। चलो अब एक क्वेश्चन लिखो, हम लोग को एफ एक्स दे दिया है 0, 1/4, 2/4, 3/4 और 1, ये आएगा व्हेन एक्स इज लेस देन -1, जैसे ही -1 को टच करेगा बट 1, फिर जैसे 1 को टच करेगा बट 3 से कम, फिर जैसे 3 को टच करेगा बट 5 से कम, और यहाँ पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हम लोग को CDF देखते हैं क्या बनाना है, PDF पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेंगे प्रोबेबिलिटी वाला, -1, 1, 3 और 5, तो -1, 1, 3 और 5 सब में क्या है 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, पहले यहां तक देख लो, ये सबको क्लियर है कि नहीं है, अगर ये क्लियर है तो उसके बाद में हम आपका ग्राफ बना देते हैं। पहले ये मैंने बनाया यहां पर पीडीएफ का ग्राफ, प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, सो क्या क्या आएगा, देखो चालू यहां से होगा -1, 1, 3, 5 -1, 1, 3 और 5, तो यहां पर आ जाएगा 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, क्लियर है सबको, ये वाला हाइट क्या हो जाएगा मेरा 1/4। सिमिलरली अगर मेरे को वो बनाना होगा, वो मैं छोटा सा बना दे रहा हूं, मार्किंग नहीं कर रहा हूं, वो यहां से चालू होगा, समझ गया ना, -1, 1, 3 और 5, तो ऐसे देखो ये तुम्हारा माइनस वन वाला हो गया, ये 1 वाला हो गया, 3 वाला हो गया, 5 वाला हो गया, 1/4, 2/4, 3/4, 1 स्क्रीन पर है कृष्णा, भूमि, देवव्रता, ईशान, खुशी,
चैतन्य हर्षिता कावेरी जागृति पर्णिका। सबको तो समझ आ रहा है? भूमि समानी। अब ठीक है, अच्छा सर, जैसे हमारा सीडीएफ का जो प्रोबेबिलिटीज हुई वो हुई 0.4, 0.4, 0.5 और 1, तो वैलिड होगा ना? हाँ, आप समझे नहीं। 0.4 से 0.4 पे तो आएगा ही नहीं ना, वो 0.4, 0.5 और 1 होगा। वो जैसे मान लो यहाँ पर 1 के बाद 3 पे प्रोबेबिलिटी है, तो 2 पे भी तो सीडीएफ का वैल्यू सेम ही होगा ना। बट मैंने तो वो लिखा नहीं है, उसको लिखना तो अच्छा बेमतलब का है। ओके ओके जहां जहां प्रोबेबिलिटीज होगा वही वही पॉइंट वो पकड़ेगा ना। ओके सर। क्वेश्चन लिखिए, इसी पे हम लोग को प्रैक्टिस करना है। सबसे पहला जो मेरा आपसे क्वेश्चन है वो ये है, प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, बोलो कितना होगा? 3/4। प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन 1। डिस्क्रीट में ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू में फर्क है, बट कंटिन्यूअस में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये वाला बताओ, -0.4 से 4, ये बताओ तो क्या क्या आ जाएगा इसमें? 1 और 3 दो ही आएगा ना, 1 और 3, बिकॉज पहले -1 लाई करेगा, फिर -0.4, फिर 0, तो 1 और 3 आएगा, तो क्या हो जाएगा? 2/4। इसके बाद में प्रोबेबिलिटी 3 या फिर उससे बड़ा, बट 5 या फिर उससे छोटा, तो बोलो क्या आएगा? सर 2/ यस, सर वो 2/4 कैसे है, एक बार वापस बताइए ना। एक्स इज ग्रेटर देन 1 वाला कि नीचे वाला, ये वाला -0.4 मैं आपको वाला। नंबर सिखा देता हूँ। नंबर लाइन देखिए, ये मेरा -1 हुआ, फिर यहां पर आएगा ये, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा और फिर ये आएगा, राइट? हम लोग को यहां से यहां निकालने बोला है, तो यहां से यहां में क्या क्या लाई कर रहा है? 1 और 3, बोलो ना। हाँ यस सर हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग प्रैक्टिस में। चालू करें, बोलो, कोई डाउट? चलो आओ, यहां पर हम लोग को एक्स दिया हुआ है, यहां पर हम लोग को पीडीएफ दे दिया है, तो एक्स में क्या क्या है ध्यान देना। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, तो यहां पर आ जाएगा के, 3 के, 5 के, 7 के, 9 के, 11 के, 13 के। ठीक है, के, 3 के, 5 के, 7 के, 9 के, 11 के, 13 के। क्लियर है सबको? हाँ कि ना, बोलो। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले फाइंड के, तो के कैसे निकालेंगे? सबका सम शुड बी 1, 4, 9, 18, 25, 25, 45, 49, सो के विल बी व्हाट? 1/, ये आ गया। उसके बाद में हम लोग को निकालने बोल रहे हैं, देखो प्रोबेबिलिटीज, पहला जो निकालने बोल रहे हैं विच इज प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कैसे आएगा बताओ? इसमें 5 और 6 आएगा, तो 24/ प्रोबेबिलिटी 3 से बड़ा बट 6 या फिर उससे छोटा, बोलो। 3 से बड़ा में क्या क्या आ जाएगा? 4, 5, 6, सो 33/, एक और है,
प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन फोर, तो जीरो वन टू थ्री आएगा, सात पांच बारह, सिक्सटीन बाय 49. दिस इज द एंड ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. दो मिनट का रेस्ट, फिर हम लोग कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल चालू करेंगे.
ओके तो पुट द हेडिंग कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. पुट द हेडिंग कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. तो सेम सबसे पहले इसमें लिखेंगे पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. नोटेशन है एफ एक्स एक्स प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स. लिख के काट देना. क्यों लिख के काट देना? प्रोबेबिलिटी नॉट डिफाइंड at a particular point इसमें हम लोग को रेंज वाइज प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा. एक पॉइंट पे इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं होता है. ठीक है तो लिखना कंडीशंस फॉर अ valid PDF पहला fx is greater than equal to 0 for all x. and दूसरा है integrating over the range of x fx should be equal to 1. वहां पर समेशन था और यहां पर क्या है इंटीग्रेशन. तो एग्जांपल लेते हैं fx हम लोग को दे दिया है 2 1 माइनस x और x का रेंज दे दिया है 0 से 1. बताइए कि ये वैलिड पीडीएफ है कि नहीं है. तो पीडीएफ का वैलिडिटी के लिए हम लोग को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से 1 2 1 माइनस x dx. सो 2 x माइनस x² / 2 0 से 1. सो 2 1 माइनस half which is 1. क्लियर है गला? दूसरा देखिएगा fx is equal to 6x 1 minus x 0 से 1. तो अब इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे? इंटीग्रेटिंग 0 से 1 6x 1 minus x dx. तो 6 x² / 2 minus x³/0 से 1. ठीक है ना? बोलो हाँ. तो उसको ले लो. कितना आ रहा है? 1 आ रहा है. नेक्स्ट एग्जांपल के पहले एक हम लोग वो लिख लेते हैं e^-infinity 0 और यहां पर log है. log का बेस में e. log 0 is -infinity log 1 is 0 and e^∞ is ∞. समझ गया? मैंने ये एक वो बनाया शॉर्टकट e^-∞ 0 and log 0 is -∞ वैसा.
सर ये एक बार वापस से बताना। कुछ नहीं बेटा, ln 0 माइनस इंफिनिटी है, ln 1 जीरो है एंड ln इंफिनिटी इंफिनिटी है। e टू द पावर माइनस इंफिनिटी जीरो है, e टू द पावर जीरो वन है एंड e टू द पावर इंफिनिटी इंफिनिटी है। एक और fx लिखिए, 5 e टू द पावर माइनस 5x, x इज ग्रेटर देन 0। तो ये हम लोग कैसे बनाएंगे, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी 5 e टू द पावर माइनस 5x dx। तो 5 e टू द पावर माइनस 5x बाय माइनस 5, 0 से इंफिनिटी, तो माइनस e टू द पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e टू द पावर 0, यही होगा ना। तो ये e टू द पावर माइनस इंफिनिटी इज व्हाट, 0 जस्ट अभी बताया, तो 1 आएगा इसका आंसर। सर आप एक बार वो ln वाला चार्ट दिखाइए ना। श्योर, तो e की पावर माइनस इंफिनिटी जीरो कैसे हुआ, एक बार वो बता दो। e टू द पावर माइनस इंफिनिटी इज 1 बाय e टू द पावर इंफिनिटी व्हिच इज टेंडिंग टू 1 बाय इंफिनिटी टेंड्स टू 0। क्लियर। नेक्स्ट पुट द हेडिंग गामा इंटीग्रेशन। तो गामा इंटीग्रेशन में क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी एक्स टू द पावर अल्फा माइनस 1 ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स डीएक्स, ये फॉर्म में अगर होगा तो आएगा गामा अल्फा बाय लैम्डा टू द पावर अल्फा। ये होता है अल्फा माइनस 1 का फैक्टोरियल बाय लैम्डा टू द पावर अल्फा। एफएक्स जो है हम लोग का 32x स्क्वायर e टू द पावर माइनस 4x, ठीक है, एंड x इज ग्रेटर देन 0। अब इसमें हम लोग को गामा इंटीग्रेशन लगाना है, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो बाय पार्ट्स लगाएंगे, आई लेट, जिससे एग्जाम में लेट हो जाएगा हम लोग को, मतलब टाइम नहीं मिलेगा उतना। तो ये इसीलिए इसको हम लोग को गामा इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है। देखो इधर, तो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी 32x स्क्वायर e टू द पावर माइनस 4x dx, राइट, तो 32 को बाहर ले लो, 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर 3 माइनस 1 e टू द पावर माइनस 4x dx। तो अब इस इंटीग्रेशन से मेरे को क्या समझ में आता है, दैट यहाँ पर अल्फा मेरा क्या है 3, लैम्डा मेरा क्या है 4, तो मेरा आंसर क्या आएगा 32 इंटू गामा 3 बाय 4 का क्यूब which is equal to 32 into gamma 3, मतलब क्या 2 का factorial 4 का cube 64, 2 factorial is 2 into 1, तो यहाँ पर answer आएगा 1। आराम से check करो, gamma integration copy किया, gamma integration copy किया, yes खुशी जी। सर इसमें अल्फा इंटीजर ही होना चाहिए तभी लग सकता है ना। एक और क्वेश्चन देखो, एफएक्स इज 9x ई टू द पावर माइनस 3x, x is greater than 0, तो 9 बाहर आ जाएगा, 0 to infinity x to the power 2 minus 1 e to the power minus 3x dx, alpha हो गया 2, lambda हो गया 3, तो 9 into gamma 2 by 3 square, gamma 2 मतलब 1 का factorial, तो क्या आ जाएगा 1,
देखो हेडिंग लगाना। फाइंडिंग कैन प्रोबेबिलिटी। यू स्क्रॉल हाँ लव यस, योर वॉइस इज क्रैकिंग, कैन यू प्लीज रिवेन्यू टाइप। प्लीज टाइप ईशान। स्क्रोल अप। ओके ओके लिखना फाइंडिंग प्रोबेबिलिटीज इन केस ऑफ सीआरवी। सीआरवी मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0.5 अगर निकालने बोलता है तो 0.5 0.5 राइट। और अगर हम लोग 0.5 से 0.5 में पीडीएफ को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, जैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, हम लोग को रेंज में निकालना पड़ेगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, एफ एक्स हम लोग को दे दिया है के ई टू द पावर -3x, एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को के निकालना है, तो हम लोग इस केस में के कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन 0 to infinity के बाहर e टू द पावर -3x dx निकालो, इसको सॉल्व करो। तो -k/3 e टू द पावर -infinity -e टू द पावर 0, एंड ये मेरा क्या आएगा? टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आता है, तो k/3 देखो k इज इक्वल टू व्हाट? 3। आराम से पहले इसको चेक करिए स्क्रीन पर है। खुशी, इसरानी, भूमि, भरत, ईश, ईशान, कृष्णा, हर्षिता, कावेरी, ध्रुवी, पर्णिका, सबको तो समझ में आ रहा है? तो चलो अब ये आया, अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालना सिखाओ। प्रोबेबिलिटी 0.5x1, तो जहां से जहां तक बोला वहां से वहां तक इंटीग्रेट कर देंगे, बात खत्म हो गया। एफ एक्स जी एक्स तो क्या आएगा? 0.5 से 1, बोलो 0.5 से 1, 3e^-3x dx। ठीक है ना, तो सॉल्व करिए इसको, क्या आ रहा है बताइए? 3 तो मेरा आ गया बाहर, तो क्या आएगा? e टू द पावर -3x/-3, क्या आएगा? 0.5 से 1। सॉल्व करिए इसको, तो -e^-3 -e^-1.5, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं e^-1.5 -e^-3। क्लियर है सबको? यस और नो? हाँ कि ना, जल्दी बोलिए। हाँ
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम लोग को एफएक्स दे दिया है ई टू दी पावर माइनस एक्स, और हम लोग को रेंज दे दिया एक्स इज ग्रेटर देन 0। निकालना है प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन 1, तो क्या करेंगे, 1 से इंफिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स डीएक्स, जहां से जहां तक बोलेगा वहां से वहां तक इंटीग्रेट कर देंगे, बात खत्म हो गया। तो क्या आएगा इसका बताओ, माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स 1 टू इंफिनिटी, तो माइनस ई टू दी पावर माइनस इंफिनिटी माइनस ई टू दी पावर माइनस 1, तो ई टू दी पावर माइनस 1। डेसिमल में कन्वर्ट भी कर दो, आगे करेंगे, अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। हेडिंग लगाना क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सीडीएफ का केस में दोनों में ही सीडीएफ का आंसर माने फुल फॉर्म सेम है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बट पीडीएफ में वहां पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, यहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो गया। ठीक है, अब सीडीएफ पे ध्यान देना। अगेन सीडीएफ का मतलब क्या है, लेस देन प्रोबेबिलिटी, तो कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन स्टार्टिंग रेंज से लेके एक्स एफ एस डी एस चेंज कर दिए, समझ ना, स्टार्ट टू एक्स एफ एस, स्टार्ट टू एक्स एफ एस डी एस, ठीक है, स्टार्ट टू एक्स एफ एस डी एस, एक जनरल फॉर्म निकाल कर इंटीग्रेट करके फिर वैल्यू पुटिंग करेंगे बस खाली। ठीक है, ध्यान देना इसको पीडीएफ पे। मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, मेरे को पीडीएफ दे दिया है, स्मॉल एफ मतलब पीडीएफ, 5e-5x एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब मेरे को सीडीएफ बनाना है, मेरे को कैपिटल एफ एक्स अगर बनाना है तो इंटीग्रेशन 0 टू एक्स 5e-5s डीएस, तो 5 मेरा आ गया बाहर, e टू दी पावर माइनस 5s बाय माइनस 5, 0 टू बोलो 0 टू x, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस e टू दी पावर माइनस 5x माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा फाइनली बताइए, 1 माइनस e टू दी पावर माइनस 5x। अब एक चीज समझ लेना, लिख भी लो उसको, अगर हमको पीडीएफ से सीडीएफ पे जाना है तो हम लोग करेंगे इंटीग्रेट, ठीक है, और अगर हम लोग को सीडीएफ से पीडीएफ में आना है तो हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट। अब ये जो आया है मेरा सी डी एफ, इसका मतलब क्या है, ध्यान देना, इसका मतलब है कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स विच इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 5x। मान लो मेरे को निकालना है प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, तो मैं क्या करूंगा, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 5 इंटू 2। अगर मेरे को निकालना है प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन 2, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। कंटिन्यूअस में लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू में कोई फर्क नहीं है, बट डिस्क्रीट में फर्क है। तो यहां पर अगर मैं करूंगा दिस इज 1 माइनस एफ टू, जस्ट अभी हम लोग एफ टू का वैल्यू निकाले, तो 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 5 इंटू 2, करेक्ट, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा बताओ, ई टू दी पावर माइनस 10। अब एक मैं और एक चीज दिखा देता हूँ, रिवर्स भी करके दिखाता हूँ। अब सीडीएफ से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे पीडीएफ निकालेंगे, तो 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 5x है, ये मेरा सीडीएफ है, ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करो तो 1 का 0 माइनस ई टू दी पावर एम एक्स का क्या होता है, एम ई टू दी पावर एम एक्स, ठीक है,
माइनस एक बाहर का था और एम का मैंने नीचे ले आया, ठीक है। एसी से चालू किए थे, फाइव ई टू दी पावर माइनस फाइव एक्स से चालू किए थे, हाँ कि ना, ठीक है ना। तो सीडीएफ को डिफरेंशिएट करने से पीडीएफ, पीडीएफ को इंटीग्रेट करने से सीडीएफ, ठीक है। सो कैन यू स्क्रॉल अप वंस, हाँ और ऊपर नहीं सर, बस नहीं सर। सर ये पी ग्रेटर देन टू फाइंड करने के लिए वन माइनस क्यों कर रहे हैं? इजी वे है क्योंकि हम लोग सीडीएफ ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और एक तरीका भी, आप इंटीग्रेट कर दीजिए टू टू इंफिनिटी, अब जैसे मेरे को दिया हुआ है कैपिटल एफ एक्स दिया हुआ है 1 माइनस 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये मेरे को दिया हुआ है, ठीक है। मेरे को निकालना है एफ टू, तो एफ टू मेरा क्या है, प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, खाली डालना है वैल्यू। तो 1 माइनस 1 प्लस 2 ई टू दी पावर माइनस 2 विच इज 1 माइनस 3 ई टू दी पावर माइनस 2, उसके बाद में प्रोबेबिलिटी 1 से 3 के बीच में, तो क्या हो जाएगा एफ थ्री माइनस एफ वन, समझा कैसे किया, तीन से पहले का पूरा माइनस वन से पहले का पूरा, तो क्या मिलेगा वन से थ्री के बीच में, तो करो वन माइनस फोर ई टू दी पावर माइनस थ्री माइनस वन माइनस टू ई टू दी पावर माइनस वन, तो वन माइनस वन मेरा क्या हो जाएगा बताओ, जीरो, तो क्या होगा टू ई टू दी पावर माइनस वन माइनस फोर ई टू दी पावर माइनस थ्री। एक और निकालना है प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन फोर विच इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन इक्वल टू फोर, तो इसमें क्या करेंगे वन माइनस फाइव बी टू दी पावर माइनस फोर, तो क्या आ जाएगा फाइव बी टू दी पावर माइनस फोर। सर एक बार स्क्रॉल करना ऊपर, और ऊपर क्यों नहीं, नहीं ठीक है ओके। देखो अब इसके बाद में हमको एफ वाई दे दिया है 1 बाय 8 वाई प्लस 1, और हम लोग को रेंज दे दिया है 2 से 4 का, पहले हम लोग को निकालने बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी वाई इज लेस देन 3.2, तो कैसे करेंगे बताओ, 2 से 3.2 में इंटीग्रेट कर लेंगे 1 बाय 8 वाई प्लस 1 डी वाई, तो मेरा 1 बाय 8 आ गया बाहर, अंदर में क्या बचेगा बताओ, वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई 3.2 से 2, वैल्यू पुटिंग कर दो बस खाली, कितना आ रहा है बताइए, प्रोबेबिलिटी है 0.5। अब उसके बाद में प्रोबेबिलिटी 2.9 वाई 3.2,
तो प्रोबेबिलिटी वाई इज लेस देन 3.2 माइनस प्रोबेबिलिटी वाई इज लेस देन इक्वल टू 2.9। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ना, तो एक तरीके से देखा जाए तो सेम ही चीज तो आएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1/8 वाई स्क्वायर बाई टू प्लस वाई, बट यहाँ पर क्या आ जाएगा 2.9 और 2, ये वाले पार्ट का मैं बोल रहा हूँ, क्लियर। यहाँ पर अभी बनाया ना, ये सेम ही तो आएगा, 2 से 3.2 था, वहां पर 2.9 आएगा। कितना था फाइनल बताओ, 2 में आना। हम लोग को जी एक्स दिया हुआ है 6x1 - x, ठीक है। प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 1/4 हम लोग को निकालना है, तो कैसे करेंगे, 0 से 0.25 6x1 - x dx। फिर हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 0.5, तो कैसे करेंगे, 0.5 से 1, राइट, 6x1 - x dx। सॉल्व करिए इसको,
कितना आ रहा है पहले वाले का? 5/5 और दूसरे वाले का? 5/5। नेक्स्ट करते हम लोग। से एक मिनट ऊपर कीजिए ना। डन। एफ वाई मेरे को दे दिया है 1 - 9/y² 5 > 3 प्रोबेबिलिटी वाई लेस देन इक्वल टू 5 एंड प्रोबेबिलिटी वाई ग्रेटर देन 8 ये हम लोग को निकालना है। तो कुछ नहीं करना, खाली वैल्यू पुटिंग करना है इसमें। तो 1 - 9/25 और यहां पर 1 - 9/64 क्योंकि ये ग्रेटर है ना, इसको कैसे लिखेंगे? 1 - f8। क्लियर है? और ये क्या है? ये है f5। सीरी वाला एक बार फिर से समझ। हाँ, प्रोबेबिलिटी वाई इज लेस देन इक्वल टू 5 है और हम लोग को एफ वाई दे दिया, मतलब क्या दे दिया? प्रोबेबिलिटी कैपिटल वाई लेस देन इक्वल टू स्मॉल वाई, ये हम लोग को दे दिया ऑलरेडी। तो खाली वैल्यू पुटिंग करना है और जहां ग्रेटर है उसको लेस में कन्वर्ट करके फिर वैल्यू पुटिंग करना है। उस रेंज में जीरो है, पीडीएफ भी जीरो है, पीडीएफ के लिए डिफाइंड इसी रेंज में, वाइस ग्रेटर देन 3 उसी का सीडीएफ बनाया। एक और सम देखो, हम लोग को दे दिया है fx इज 1/5 और हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी 3 से बड़ा 5 से छोटा। तो कैसे निकालेंगे बताओ? और यहां पर हम लोग को रेंज दे दिया है 2 से 7। तो कैसे करेंगे बताओ? 3 से 5 1/5 dx, तो 1/5 × 2। ठीक है, एक चेक करो वैलिड पीडीएफ है कि नहीं है। हम लोग को एफ एक्स दे दिया है 3x² और यहां पर x का हम लोग को रेंज दे दिया है 0 से 1। चेक करो कि ये वैलिड पीडीएफ है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? 0 से 1 3x² dx, तो 3 बाहर क्या आ जाएगा बताओ? x³/3 0 से 1, तो 1 आ रहा है। और फिर उसके बाद में हम लोग को इसमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकालने बोला है प्रोबेबिलिटी 0.1x 0.5। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? 0.1 से 0.5 3x² dx, सॉल्व करो उसको।
चलो आगे बढ़ा जाए। अब पुट द हेडिंग मीन एंड वेरिएंस। सो मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। ठीक है, एक चीज समझना, आज तक हम लोग एवरेज कैसे निकाला है? 2, 3, 4 डिवाइड बाय 3, बट ये एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ये 2 × 1/3 है, 3 × 1/3 है, ये 4 × 1/3 है। आज तक हम लोग को समझ में नहीं आया क्योंकि तीनों का क्या था? इक्वल प्रोबेबिलिटी था। और आप प्रोबेबिलिटी डिफर करेगा तो उसी से फॉर्मूला निकल के आया जो भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो मीन का नोटेशन क्या है ध्यान देना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स म्यू एवरेज मीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे डिस्क्रीट के लिए, कॉपी को दो भाग में डिवाइड कर लीजिए डिस्क्रीट, और यहां पर हम लोग करेंगे कंटिन्यूअस के लिए। तो डिस्क्रीट में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो है हम लोग का समिंग ओवर द रेंज ऑफ एक्स, एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर समिंग ओवर द रेंज ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, डॉट 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 एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर आर समिंग ओवर द रेंज ऑफ एक्स, x to the power r into probability capital X is equal to small x. Same continuous में expectation of x कैसे निकालेंगे? Integrating over the range of x, x into fx dx. Expectation of x square कैसे निकालेंगे? Integrating over the range of x, x square into pdf dx. Dot 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 expectation of x to the power r. Integrating over the range of x, x to the power r fx dx. कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे अब हम लोग मीन का, मीन का कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। ओके, एक मिनट का टाइम। सी फॉर्मूलास कैसे ड्राइव किए पहले बता दो। फिर से सी फॉर्मूलास कैसे ड्राइव हुआ, वही तो मैंने भी समझाया आपको स्टार्टिंग में, दैट ये जो है वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी, वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी का सम है।
अगर आप एकदम स्टार्टिंग वाला देखोगे तो मैंने क्या बोला, 2 × 1/3, 3 × 1/3, 4 × 1/3, तो तीनों में वहां पर प्रोबेबिलिटी तो है ना वो, तो अब यहाँ पर अनइक्वल प्रोबेबिलिटीज आएंगे, तो वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी का सम। यस सर। 2 × 2 × 2 × 2 का मीन क्या होगा बताओ? सो एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज व्हाट, लिखते चलिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल, कॉन्स्टेंट बाहर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। 2, 3, 4 का मीन क्या होगा? 3, 4, 6 और 8 का मीन क्या होगा? 6। तो कॉन्स्टेंट बाहर इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ए, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस सी। आइए चलिए कुछ एक्सरसाइज किया जाए। एक्स का वैल्यू एंड प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू दे दिया -2, -1, 0, 1 और 2, और यहां पर हम लोग को दिया 1/6 पी जीरो, नो सॉरी 1/4, सॉरी सॉरी 1/6 पी, 1/4 पी, 1/6। हम लोग को पी का वैल्यू निकालना है, तो पी का वैल्यू कैसे निकलेगा? सम ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1, तो 1/6 प्लस पी प्लस 1/4 प्लस पी प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1। तो पी यहां से कितना आएगा बताइए? परनी का घर को नींद आने लग गया, वो हो गया, तो अब मीटिंग छोड़ेगी, पहले पहले कैमरा ऑफ करेगी फिर वो मीटिंग छोड़ेगी। सब लोग अपना कैमरा ऑन करिए। 5/24, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये हो गया ना आप लोग का, इसके बाद में हम लोग को निकालने बोल रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कैसे निकलेगा बताओ? -2 × 1/6 -1 × 5/24 +0 × 1/4 +1 × 5/24 +2 ×, बोलो तो क्या आ रहा है ये? 0। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस 2 क्या आएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस 2 विच इज 0 प्लस 2 विच इज 2। ठीक है, बोलो। अब इसके बाद में एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। हाँ, पहले निकालना पड़ेगा, तो मीन में है, पहले x स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन निकालना पड़ेगा। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर कैसे आएगा? -2 का स्क्वायर × 1/6 -1 का स्क्वायर × 5/24। 0 वाला 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर × 5/24, 2 का स्क्वायर × 1/6। सॉल्व करके बताइए कितना आ रहेगा? सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना, और ऊपर नहीं, बस एक मिनट। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पर आ गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पता है, आपको पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालिए। ये कितना आ रहा है? 7/4 आ रहा है क्या ये? तो 2 × 7/4 प्लस 3 × 0 प्लस 5 कितना आ रहा है बताओ? 17/2।
ठीक है। अगर हम लोग एक डाई रोल करते हैं तो उसमें से क्या क्या आउटपुट निकल के आता है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स क्या क्या हो जाएगा बताओ? सब में 1/6 ही होगा, राइट? इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे? निकालो तो 1/6 बाहर, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 बताओ कितना होता है? हाँ, ये निकल गया। इसके बाद में निकालो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और फिर निकालोगे एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x² + 1। चालू करिए, सॉल्व करो उसको।
कितना आ रहा है इसका आंसर? 31.3 2x स्क्वायर प्लस 1 का 94/3 है। एक और सम लिखना, x दिया है, प्रोबेबिलिटी कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल x दिया है,
यहां पर आ गया माइनस थ्री सिक्स और नाइन, ये आ गया मेरा वन बाय सिक्स हाफ वन बाय थ्री। ठीक है, तुम लोग निकालो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, तो कैसे निकलेगा, माइनस थ्री इंटू वन बाय सिक्स प्लस सिक्स इंटू हाफ प्लस नाइन इंटू वन बाय थ्री। फिर निकालो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री का स्क्वायर इंटू वन बाय सिक्स प्लस सिक्स का स्क्वायर इंटू हाफ प्लस नाइन का बोलो स्क्वायर इंटू वन बाय थ्री। फिर इसके बाद में तुम लोग को निकालना है, लास्ट में तुम लोग को निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या हो जाएगा बताओ, फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन, फोर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वन। चलो चालू करो, चालू करो। कल से हम लोग का सीबी वन टू और सीएम टू तीन पेपर और चालू हो रहे हैं। आज चालू हुआ सीएस टू सीएस वन सीएम वन सीपी वन सीपी टू सीपी थ्री। एसपी लेवल स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक है। मैंने एक मशीन बनाएंगे, यहां से एस्पिरेंट डालेंगे और वहां से एक्चुअली निकलेगा। एंड कैलकाटा में आने वाला पांच साल में सब कंपनी को लेके आएंगे और प्लेसमेंट इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे सारे बच्चे लोग के लिए। बस बॉम्बे वालों का तो सही है। हाँ नहीं नहीं अभी अब बस हाँ 209। हेडिंग लगाना बीटा इंटीग्रेशन। जीरो टू वन एक्स टू द पावर ए माइनस वन वन माइनस एक्स टू द पावर बी माइनस वन डी एक्स। सो गामा ए गामा बी गामा ए प्लस बी, समझा? सो क्वेश्चन देखो, हम लोग को एफ एक्स दे दिया है टू इंटू वन माइनस एक्स जीरो एक्स वन, ये हम लोग को दे दिया है। हम लोग को निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर आर, तो कैसे निकालेगा, जीरो टू वन x to the power r 2 1 minus x dx, ऐसे ही निकालेगा ना, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो कैसे होगा, 2 बाहर 0 to 1 x to the power r plus 1 minus 1 1 minus x to the power 2 minus 1 dx, है ना। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर मेरा a क्या है बताओ, r plus 1, b क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू गामा आर प्लस वन गामा टू बाय गामा आर प्लस थ्री। तो क्या बन के निकलेगा, ये 2 इंटू आर फैक्टोरियल बाय आर प्लस टू का फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा 2 बाय आर प्लस टू आर प्लस वन, क्योंकि आर फैक्टोरियल तो हम लोग का कट जाएगा। देख लो इसको, बीटा इंटीग्रेशन पहले कॉपी कर लो, पहले ये कॉपी हुआ सबका बीटा इंटीग्रेशन,
दो की है आज, गामा की है और बीटा की है। शेड्यूल सबको क्लियर है ना CS1 का? आर का बेसिक देखना चालू करो, ठीक है? आर का बेसिक देखो अच्छे से, संग संग कराएंगे, ए और बी एकदम संग संग कराएंगे आपकी बार। आग चलिए ठीक लगा है जी। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू दी पावर आर अगर निकल गया है तो हमको, जैसे मान लो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है तो आर की जगह पे क्या डालेंगे, वन, तो 2/3 × 2। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे बताओ, 2/4 × 3 है ना, बस आर के जगह में 1 और 2 डाल दिया। अब निकालो एक्सपेक्टेशन ऑफ 4x² + 4x + 1, ये निकालो, सॉल्व करो इसको। सॉल्व पे बताइए कितना आ रही है ना? थ्री आ रहा है। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे। बोलो, FY हम लोग को दिया हुआ है 1/8 y + 1 -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तुम लोग को निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 से 1, 1/8 y + 1 dy। तो 1/8 आ गया बाहर, y² / 2 + y -1 से 1, इसको सॉल्व कर लो। यस खुशी जी बोलिए। एक सर आपने वाई मल्टीप्लाई नहीं किया। सेकेंड, हाँ मैं वाई मिस कर दी, वाई एक मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा गलत हो गया मेरा। तो अब क्या आ जाएगा मेरा, 1/8 मेरा आ गया बाहर, पहला वाला मेरा हो गया y², तो y³/3 + y² / 2 -1 से 1। सर वो एक बार आप फैक्टोरियल वाला बता सकते हो ऊपर? हाँ श्योर। देखिए ए मेरा आया r+1, बी मेरा आया 2, तो r+1 का गामा इज आर फैक्टोरियल, एंड नीचे में आ रहा था r+3 का गामा विच इज r+2 का फैक्टोरियल। तो r+2 का फैक्टोरियल इज व्हाट, r+2 r+1 × r का फैक्टोरियल। तो r का फैक्टोरियल कट जाएगा, बचेगा क्या, 2/r+2 r+1। अब आप अपना डाउट पूछिए। नहीं सर, थैंक सर। यहाँ नीचे आपने वाई से मल्टीप्लाई क्यों किया? एक्सपेक्टेशन है ना, y × FY dy, ठीक राइट सर। है? सर एक बार आप स्क्रॉल अप कर सकते हैं? हाँ नेक्स्ट पुट द हेडिंग वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब क्या होता है, डिविएशन फ्रॉम द मीन। मतलब म्यू अभी हम लोग निकालना सीखे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, जो मेरा एक्चुअल वैल्यू है वो मीन वैल्यू से कितना दूरी पर है। अब दूरी तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इसीलिए डिविएशन का स्क्वायर और फिर उसका हम लोग लेंगे मीन। तो इट इज द एवरेज डिविएशन स्क्वायर। डिविएशन स्क्वायर मतलब मेरे को स्प्रेड मापना है, ठीक है? देखो वेरिएंस का जो नोटेशन होता है Vx, ठीक है? अब एक चीज समझना, एक्सपेक्टेशन ऑफ x - μ का स्क्वायर। पहले मैंने क्या लिया, एक्चुअल जो मेरा वैल्यू है मीन से कितना दूरी पर है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, देखो क्योंकि स्प्रेड चाहिए तो बोल के मैंने दूरी का स्क्वायर किया, ठीक
दूरी का स्क्वायर और फिर उसका मीन ले रहा हूं, तो एवरेज डिविएशन स्क्वायर। अब इसको ओपन अप करेंगे हम लोग, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स म्यू प्लस म्यू का स्क्वायर। म्यू एक तरीके का कॉन्स्टेंट है, म्यू इज पॉपुलेशन मीन, म्यू इज पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन मीन में कोई चेंज नहीं होता, इट्स अ कॉन्स्टेंट बट इट इज अननोन, पता नहीं होगा। जैसे मान लो पूरा वर्ल्ड का, पूरा वर्ल्ड का लोगों का एवरेज एज, समझ रहे हो, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। हम लोग इसलिए सैंपल लेते हैं और फिर उसके बेसिस में हम लोग पॉपुलेशन के लिए टेस्टिंग करते हैं, यही हम लोग पूरा स्टैटिस्टिक्स में सीखेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू म्यू तो बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस म्यू स्क्वायर, क्योंकि म्यू का म्यू भी कॉन्स्टेंट है, म्यू स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का एक्सपेक्टेशन इज वॉट कॉन्स्टेंट। अब यहां पर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एंड म्यू दोनों सेम चीज होता है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, बिकॉज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू म्यू, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर विच इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये वेरियंस का प्रूफ एग्जाम में आ चुका है बहुत बार। हम लोग ने ये दोनों ही चीज सीख ली है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालना है एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कैसे निकालना है, ठीक है। म्यू इज अ कॉन्स्टेंट बिकॉज पॉपुलेशन पैरामीटर्स आर अननोन एंड दे आर कॉन्स्टेंट, माने पूरा वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं सबका एवरेज एज विल बी अ कॉन्स्टेंट ना, वो चेंज क्यों होगा, माने पूरा वर्ल्ड मैंने ले लिया, ठीक है, अज्यूमिंग कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई भी न्यू बॉर्न्स नहीं हो रहे एंड कोई भी डेथ्स नहीं हो रहे, तो अभी इस पॉइंट पे जितने भी लोग जिंदा है उनका एवरेज एज है। पलक सोमत कौन सो रहा है, हाथ ऐसे हड्डी टूट जाएगा तो हम ऐसे सो रहे हैं क्या, ये वो हुआ था मेरे क्लास में, ऐसे पूरा ऐसे घुट गया था, ठीक है। अब सुनो लिखो, एक एग्जांपल समझना, अगर मान लो एक फर्म का एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है 40 करोड़ एंड वेरिएंस ऑफ एक्स है 12 स्क्वायर करोड़, क्योंकि वेरिएंस इज अ स्क्वायर मेजर, तो इससे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, इसीलिए हम लोग रूट अंडर वेरिएंस करते हैं ताकि हम लोग को क्या मिले, स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या होता है, लिखो एवरेज फ्लक्चुएशन अराउंड द मीन, एवरेज फ्लक्चुएशन अराउंड द मीन। तो अब अगर मान लो मैं इसका रूट लेता हूं, अब अगर मान लो मैंने वेरिएंस निकाल लिया, तो वेरिएंस ऑफ एक्स मेरा आ रहा है 12 स्क्वायर, फॉर एग्जांपल मैं एसडी ऑफ एक्स निकाला 12 करोड़, तो इसका मतलब क्या है, मेरा एवरेज सेल्स है 40 करोड़ एंड ऑन एवरेज मेरा जो सेल्स है वो ऊपर नीचे 12 करोड़ कर सकता है, तो ऑन एवरेज मेरा सेल्स का रेंज कितना रहेगा, 28 करोड़ 40 माइनस 12 एंड 52 करोड़ 40 प्लस 12। ऐसा नहीं कि 28 करोड़ से नीचे नहीं आ सकता है, 52 करोड़ से ऊपर नहीं जा सकता है, बट ऑन एवरेज ये मेरा रेंज रहेगा सेल्स का, ठीक है। हाँ, प्रॉपर्टीज, तो जो प्रॉपर्टीज है अगर हम लोग देखेंगे तो वेरिएंस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वेरिएंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यों, डिविएशन निकाले, डिविएशन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, पर डिविएशन का स्क्वायर की है ना, ठीक है, एंड वेरिएंस से कुछ भी बाहर निकलेगा तो स्क्वायर होके बाहर निकलेगा, वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट इनटू वेरिएबल ए स्क्वायर इनटू वेरिएंस। या सर वो ex इक्वल्स टू आपने क्या लिखा है, 40 करोड़ एंड वेरिएंस मैंने लिखा 12 स्क्वायर करोड़, एग्जांपल है, एडमिशन का फोन रुक ही नहीं रहे, मैं क्लास रुक के एडमिशन लो बताओ, तो लो बताओ, मजाक कर रहे हैं, ठीक है। वेरिएंस ऑफ ax a स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट क्या होगा बताओ, अच्छा 2 2 2 2 2 का मीन क्या होगा, मतलब 2 2 2 2 2 का मीन क्या होगा, 2 डिविएशन क्या होगा सबका, 0,
डिविएशन का स्क्वायर क्या होगा? जीरो. उसका एवरेज क्या होगा? जीरो. तो वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो. कहां पर ये वेरिएबल है ना, जैसे फॉर एग्जांपल टू थ्री और फोर का जब तू निकालेगा मीन कितना आएगा? थ्री. फिर तो डिविएशन निकालेगा तो माइनस वन, जीरो और वन, इसका स्क्वायर करेगा तो वन प्लस जीरो और फिर वन, तो ये आ गया मेरा डिविएशन स्क्वायर. अब जैसे इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर इसके बाद में डिविएशन निकाल के डिविएशन का स्क्वायर करेंगे. एक मिनट देख, डिविएशन निकाले, डिविएशन का स्क्वायर क्या हो जाएगा? वन, जीरो और वन. अब फिर इसमें इसका प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्या है, वेरियंस इज वॉट? डिविएशन का स्क्वायर, डिविएशन का स्क्वायर का मीन. तो डिविएशन का स्क्वायर का मीन, तो ये मेरा आएगा वेरियंस. ठीक है, अब तू कर फोर सिक्स और एट का. मैंने जस्ट डबल कर दिया, मैंने जस्ट डबल कर दिया सारे नंबर्स को. अब तू इसका कर तो मीन कितना आएगा? सिक्स. डिविएशन क्या क्या आएगा बता? माइनस टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा? फोर, जीरो और फोर, तो कितना आ रहा है? बाय थ्री करेंगे कितना आएगा? नहीं एक मिनट को, हाँ तो एक मिनट, एक मिनट, मैंने कौन सा कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई किया था यहां पर? टू मल्टीप्लाई किया था. तो ये तो मेरा आ रहा था वेरियंस, तो टू का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज पहले जो मेरा चीज था एक्स, अब वो क्या हो गया है? टू एक्स. तो नया जो रिजल्टेंट वेरियंस निकलेगा वो क्या निकलेगा? टू का स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स. तो फोर से मल्टीप्लाई होगा ना ये वाला, तो मैच हो गया. दोबारा से देख लो एक बार, जैसे मान लो टू थ्री और फोर, सबसे पहले डिविएशन निकाल, मीन कितना आएगा? तीन. डिविएशन निकालेंगे तो क्या आएगा? माइनस वन, जीरो और वन. डिविएशन का स्क्वायर वन, जीरो और वन. ठीक है, डिविएशन का स्क्वायर का मीन तो कितना आएगा? टू बाई थ्री. ठीक है, अब यहां पर करो डबल कर दो. तो डबल कॉन्स्टेंट क्या है? टू. तो बाहर क्या आ रहा है? स्क्वायर होके बाहर आ रहा है. स्क्वायर होके बाहर आने का मतलब जैसे नंबर्स वाले क्या आ जाएंगे? फोर, सिक्स और एट. ठीक है, अब स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा? फोर से मल्टीप्लाई होगा ना. अब करो, इसका मीन आएगा सिक्स, तो माइनस टू, जीरो, टू स्क्वायर. अब वो क्या आएगा? फोर, जीरो, फोर बाय थ्री. तो कितना आ रहा है? एट बाई थ्री. कैसे आएगा? टू बाई थ्री इंटू टू का स्क्वायर. तो वेरियंस अगर कुछ भी बाहर आता है तो कैसे बाहर आता है? स्क्वायर होके बाहर आता है, बिकॉज वेरियंस इज स्क्वायर मेजर. ठीक है, एंड वेरियंस ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज जीरो. कॉपी कर लो उसको. सम करेंगे इसके बाद में हम लोग प्री प्रैक्टिस. कॉपी हुआ? व्हाट इज वेरिएंस? डिविएशन का स्क्वायर का मीन लिख लो. वेरिएंस क्या है हिंदी में लिखो तो अपना अच्छा लगता है ना थोड़ा. डिविएशन का स्क्वायर का मीन. डिविएशन कहां से? डिविएशन फ्रॉम मीन. डिविएशन फ्रॉम मीन का स्क्वायर का मीन. ठीक है, क्वेश्चन लिखो. एफ एक्स हम लोग को दे दिया है हाफ एक्स प्लस वन, माइनस वन से वन के बीच में लाइन कर रहा है. हम लोग को वेरियंस निकालना है, तो वेरियंस निकालने के लिए दो चीज निकालना पड़ेगा. क्या क्या निकालना पड़ेगा? ई एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना पड़ेगा? ई एक्स का होल स्क्वायर. तो सबसे पहले ई एक्स निकालो. ई एक्स कैसे निकालेंगे? माइनस वन से वन, एक्स इंटू हाफ एक्स प्लस वन डी एक्स. सॉल्व करिए इसको, इसको सॉल्व करिए. इसके बाद में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालिए. तो माइनस वन से वन, माइनस वन से वन,
माइनस वन से वन एक्स स्क्वायर इंटू हाफ वन प्लस एक्स डीएक्स सॉल्व करो उसको करो सॉल्व कितना आ रहा बताओ हाँ टू बाय नाइन आएगा क्या आंसर मजा आ रहा है मजा नहीं आया तुमको क्यों तो ऑनलाइन में तो थम्स अप दे रहा है तो घर में बैठा था खाना पीना कर रहा है एसी चला तो गर्मी है क्या पर मतलब अच्छा मैं भी आप इतना दिन चलाते हैं ठीक है क्वेश्चन लिखो लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स जीरो एक्स इंफिनिटी सर इससे पहले वाले का आंसर क्या आ रहा था टू बाय नाइन ठीक है सर फुकरे थ्री कलम देखने का मेरे तो सर दर्द हो गया उसको 83% रेटिंग दिया है जब तो मेरा वन टू नहीं देखा वो बोर्ड के अब इसके बाद में वेरिएंस कैसे निकालेंगे इसका बताओ जीरो टू इंफिनिटी एक्स इंटू लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स तो लैम्डा मेरा आ गया बाहर जीरो टू इंफिनिटी एक्स ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स क्या है ये बताइए गामा इंटीग्रेशन है इसको सॉल्व करिए गामा इंटीग्रेशन से And expectation of x square. So integration 0 to infinity x square into lambda e to the power minus lambda x dx. So lambda mera aa gaya bahar 0 to infinity x square e to the power minus lambda x dx. Solve kariye pehla wala mein alpha ka value kya hoga 2 aur dusra wala mein alpha ka value kya hoga 3. Solve kariye isko. Bataiye kitna aa raha variance. इसका वेरिएंस अब एक्स आएगा वन बाय लैम्डा स्क्वायर चेक कर लेना चेक करो आ रहे कि नहीं आ रहे चेक इट अस्टे नींद में एकदम पूरा नहीं कितना रहे कर कुछ करना थोड़ी है अल्फा का वैल्यू टू है लैम्डा का वैल्यू लैम्डा ही है So, gamma 2 by lambda square. और बाहर में lambda है. Gamma 2 1 का factorial है. तो lambda by lambda square. तो 1 by lambda आएगा. और नीचे में क्या आ जाएगा? 1 by... हाँ, 2 by lambda square आएगा. हुआ? सबका हो रहे हैं?
जो लोग भी एकदम फर्स्ट फ्रेश पेपर है, हाउ टू यूज एक्चुअल कैलकुलेटर का वीडियो ग्रुप डिस्क्रिप्शन में वो देखेंगे, पेपर ए का थोड़ा बेसिक्स का वीडियो देखेंगे। जैसे आप लोग जब पेपर ए में रिकॉर्डेड में जाएंगे हिंदी इंग्लिश में, तो उसमें वंदिता मैम का 5-6 जो वीडियो होगा बेसिक प्रोबेबिलिटी का, उसके बाद में एकदम बेसिक बेसिक चीज का, तो वो आप लोग को देखना है। एंड आर का बेसिक्स देखना चालू करिए, अब रुकेंगे नहीं एकदम, आर का बेसिक्स देखना चालू कीजिए, ठीक है। आज रैंडम वेरिएबल ऑलमोस्ट कंप्लीट है, नेक्स्ट क्लास हम लोग पहले थोड़ा बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे और इसमें छोटा सा टॉपिक बचा है ट्रांसफॉर्मेशन, वो करेंगे। उसमें हम लोग को लगेगा लगभग लगभग 30 to 40 minutes एंड द रेस्ट ऑफ द क्लास इज डेडिकेटेड टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। एंड जब तक मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कराऊंगा 1.5 मतलब वही 2 क्लास रफली विथ सम्स, तब तक आप लोग को आर का बेसिक्स एकदम पूरा देख के रेडी रखना है, ठीक है ना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।